हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर 10 पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट निकला है ये जो रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है 17 अक्टूबर से इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं इसकी लास्ट डेट जो है वो तेरह नोवर है अभी भी पाँच दिन आपके पास है तो आप फॉर्म फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वन बाय वन इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितनी वैकेंसीज है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके के बाद में क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है scheme of paper, syllabus कैसा है, है है ये सारी चीजें आप इसको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, okay. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका main advertisement, जो पहली वैकेंसी है, वो डिप्यूटी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर आता है जिसमें आठ वैकेंसी है आप यहाँ पे अपनी जो category है, जो रिजर्वेशन उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लो उसके बाद में प्रोग्रामर की दो वैकेंसी है असिस्टेंट साइट इंजीनियर जो सिविल की है यहाँ पे लगभग 49 वैकेंसी है थ इंक्लूडिंग ऑल दी डिफरेंट कैटेगरीज उसके बाद में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड टू के लिए तेईस वैकेंसी है जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए सोलह जूनियर इंजीनियर पावर जो इलेक्ट्रिकल की है, हाँ पे तीन वैकेंसी असिस्टेंट प्रोग्रामर दो स्टीनोग्राफर की नाइनटीन कम ट्रेसर सिविल की जो है पंद्रह और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी वो है जूनियर असिस्टेंट अस्सी तो टोटल यहाँ पे दो वैकेंसी है बाकी यहाँ पे तो हर जो बी गवर्नमेंट सेक्टर्स रहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बता देते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज जो है वो अथॉरिटीज पे डिप ओके okay. uh, उसके बाद में स्पेशल इंफॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और ईडब्ल्यू के लिए अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं आते तो उसको नॉर्मल प्रोसीजर थ्रू भरा जाएगा ओके okay. लेकिन अगर यही हम एस सी का देखते अगर एस सी के लिए उतने एप्लीकेशन नहीं आए ओके okay, तो वो जो पोजिशन है वो वैकेंट ही रखी जाएगी उसको फिलअप नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन बी टू टू द द मोर बैकवर्ड क्लासेस नॉन स्टेट ऑफ राजस्थान ये चीज याद रखना ओके okay. uh, उसके बाद में एस सी भी जो भी होंगे वो राजस्थान स्टेट के ही चाहिए ओके okay. उसके बाद में फॉर ईडब्ल्यू एस टेन परसेंट रिजर्वेशन शाल बी एडमिशल टू दब्ल्यू एस सेक्शन ऑफ द जो स्टेट ऑफ राजस्थान का है ओके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वैकेंसीज़ फॉर उमन दैट इज 30% परसेंट कैटेगरी वाइज ओके उसके बाद में बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की उससे पहले जो आपका रिन्यशन होगा तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है ये है प्रोबेशन पीरियड आपका दो साल का उसके बाद में आपको जो रेगुलर उनका जो मैट्रिक्स रहता है जो सैलरी रहती है रेगुलर पे मैट्रिक्स रहता है उसके हिसाब से आपको मिलेगा एज पर द रूल्स ओके तो पहले दो साल ये आपको प्रोबेशन रहता ही है पीरियड कहीं पे एक साल होता है कहीं कहीं पे दो साल तो आपको यहाँ पे दो साल है लेकिन वही दो साल में आपको जो फिक्स रिम्यूनेशन मिलता है वो कितना मिलेगा तो डिप्यूटी मैनेजर का यहाँ पे लेवल फोर्टीन के हिसाब से थर्टी उसके बाद में प्रोग्राम प्रोग्रामर का 31100 असिस्टेंट साइट इंजीनियर जो सिविल का है वो 26500 उसके बाद में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का भी आपको उतना ही मिलेगा उसके बाद में लीगल ऑफिसर जूनियर इंजीनियर की भी सेम यहाँ पे रिम्यूनेशन है असिस्टेंट प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर का भी सेम सैलरी है 20 3700 ड्राफ्ट्समैन की जो है वो है 18500 और लेवल 6 के जो जूनियर असिस्टेंट की जिससे सबसे ज्यादा पोस्ट है वो है 15100 ओके okay, उसके बाद में आपको जो भी फैसिलिटीज वो मिलेगी दो साल के बाद ओके okay, आपका कंप्लीट होने के बाद बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग विद एम बी एद रखना उसके बाद में प्रोग्रामर की जो पोस्ट है उसमें बीबीटेक एमएससी अगर आपका कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी में हुआ अप्लाई करो एमसीए भी हुआ है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम एम एमटेक बोलते हैं वो अगर आपका हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो उसके बाद में असिस्टेंट साइट इंजीनियर की बात करेंगे सिविल का तो मस्ट है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद्सटी परसेंट मार्क्स अकाउंट ऑफिसर ग्रेड टू की जो पोस्ट है उसमें बी कॉम विथ सिक्सटी परसेंट अगर आपका जो है आर एस सी आई टी भी हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपका ओ या फिर हायर लेवल को सर्टिफिकेट कोर्स आपका हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जी आई से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर बहुत सारे यहाँ पे और उन्होंने बताए है या फिर आपका डिप्लोमा भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल ऑफिसर जूनियर लीगल ऑफिसर में आपका अगर लॉ ग्रेजुएट हो आप फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी फिफ्टी फाइव परसेंट या फिर आपका एल एल एम हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो पावर जो जूनियर इंजीनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है पावर की वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जैसे मैंने आपको बताया था डिग्री में आपके होने चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोग्रामर की जो पोस्ट है ग्रेजुएट या फिर हायर डिग्री आपका अगेन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप अप्लाई करो और आपका अगर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ओके यस या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो एट्थ नंबर की जो पोस्ट है वो है स्टीनोग्राफर ओके स्टीनोग्राफर में अगर आपका सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिक्ज बोर्ड और इट्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपका डिग्री डिप्लोमा भी हुआ है, आप कर सकते हो या फिर सर्टिफाइड जो कोर्स होता है कंप्यूटर कंसेप्ट का एनआईएल से जो न्यू दिल्ली में है वहां से भी आपका हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो तो बहुत सारे और यहाँ पे दिए आर एस सी आई टी भी आपका हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ड्राफ्ट्स के मैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एटोकैड का नॉलेज आपको होना चाहिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर आपका होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्ट मैन फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ अटोकैड सॉफ्टवेयर लास्ट जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड इट्स इक्वेलेंट आपका होना चाहिए उसके साथ में डिप्लोमा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपका सर्टिफाइड कोर्स हुआ है जो यहाँ पे मेंशन है वो भी आपका हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो आर एस सी आई टी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो तो ये है टोटल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बाद में बात करेंगे एज लिमिट की तो 18 से 40 इसका एज लिमिट है उसमें भी रिलैक्सेशन जो है मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एस सी एस टी बैकवर्ड क्लासेज जो भी है इसमें पांच साल आपको मिलेगा ऑफ राजस्थान स्टेट वुमन कैंडिडेट्स को यहाँ पे पांच साल का होगा जो जनरल कैटेगरी

जो 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 पे डिवाइड किया है वो है है वो फर्स्ट से 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 लेके जो okay, से लेके लेके पहली और आठवीं तक तक पोस्ट ओके सीरियल नंबर वही आप अगर नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास मोर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान तो आपको सात है उसके बाद में फॉर दबल कैंडिडेट पर्सन एंड द कैंडिडेट्स एस सी एस टी उनको है पांच सौ रुपए और नाइन और टेंथ का सेम आपको तीनों के लिए सात सौ पांच सौ पच्चीस और तीन सौ पचास ओके उसके हिसाब से आपकी फीस है ओके okay, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में आपका ये एग्जाम होने वाला है ओके सो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शाल बी मेड थ्रू द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिस एग्जामिनेशन कैन बी ऑर्गेनाइज ऑनलाइन ऑफलाइन द डिटेल्स ऑफ विच शाल बी पब्लिश ऑन आर आई आई सी ओ इन ड्यू

से टेस्ट उसमें है नहीं तो 450 आपको यहाँ पे आउट ऑफ़ क्लियर करना होगा कट ऑफ़ प्रोग्रामर की बात करेंगे तो सेम आपका पैटर्न है 450 लेकिन इसमें आपका प्रोफिशिएंसी जिसको हम स्किल टेस्ट भी बोलते हैं आपका 100 मार्क्स का होगा तो 550 आउट ऑफ़ आपका ये होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके बाद में बात करेंगे अः अगर हम असिस्टेंट साइट इंजीनियर की तो 450 ओके उसके बाद में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की अगर हम बात करेंगे तो यह लगभग है जूनियर ऑफिसर की जो अगर हम बात करेंगे तो 450 जूनियर इंजीनियर पावर की 450 तो लगभग यहाँ पे सारे जो बाकी पोस्ट है यहाँ पे 450 सौ है लेकिन बाकी जो अभी बचे हुए सेवन एट नाइन टेन है पोस्ट उसमें आपका होगा अगेन सौ सौ मार्क्स का प्रोफिशियंसी टेस्ट तो पांच पोस्ट के लिए आपको प्रोफिशियंसी टेस्ट देना है पहला प्रोग्राम

ओके okay, आपको हर पोस्ट के लिए यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस यहाँ पे दिया है आपको सिर्फ डाउनलोड करना है तो मैंने ये टोटल लिंक आपको शेयर कर दिया ताकि आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको सिर्फ क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करना है ओके okay, तो आपको वो स्कीम एंड सिलेबस मिल जाएगा ओके okay, तो सबसे पहले मैंने आपसे ये पीडीएफ शेयर की है डिस्क्रिप्शन में उसके बाद में ये सिलेबस भी शेयर किया है आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कैसे करना है सो so, uh, तो इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा ओके okay, uh, बात करेंगे आगे सेंटर फॉर एग्जामिनेशन एंड मंथ तो डन डेट और जो सेंटर होगा फॉर एग्जामिनेशन शैल बी डिक्लेयर सेपरेटली ओके अब तक उन्होंने कुछ यहाँ पे बताया नहीं है ऑल क्वेश्चन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे कोई भी डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं मिलेगा प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन अभी आप एक चीज फॉलो करनी है अगर आप अप्लाई कर रहे हो पहले पोस्ट को पहले सात पोस्ट को तो ये उसका लिंक है ओके okay, यहाँ पे आपको सात पोस्ट मिलेंगे जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और जो पहले सात पोस्ट है जो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किए उसके लिए तो यहाँ पे अलग अलग इसका ऑनलाइन लिंक का ऑप्शन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो इसका भी मैंने आपको शेयर किया है पहले सात पोस्ट के लिए उसके बाद में अगर आपको बचे हुए जो तीन पोस्ट है उसमें अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए ये लिंक है जिसमें आपको तीनों पोस्ट मिलेंगे अगर आप न्यू रजिस्टर कैंडिडेट हो ओके तो दोनों की लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है ओके स्टेप बाय स्टेप की आपको कौन से अगर आप पहले सात पोस्ट में से अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां से अप्लाई करना है और अगर आपको बाकी तीन पोस्ट में से अप्लाई करना है तो आपको यहां से करना है तो दोनों लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए तो आपको चार लिंक मैंने शेयर किए सबसे पहले आपको पीडीएफ का उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन के दोनों लिंक और आखिरी जो है आपका वो सिलेबस का लिंक ओके तो अभी बात करेंगे क्या क्या आपको लगेगा वो सारी चीजें हम आगे आगे बताएंगे ओके उसके बाद में आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं होने वाली नो फीस शाल बी रिफंडेड ओके तो ये चीज याद रखना

अंदर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए ओके द फेस ऑफ द एप्लीकेंट शुड एटलीस्ट कवर 50% ऑफ द स्पेस इसका मतलब ये है कि आपका वहाँ पे अच्छे से फेस दिखना चाहिए उसके बाद में जो साइज ऑफ द स्कैन इमेज जैसे ऑलरेडी बताया 20 से 50 के बीच में चाहिए सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर आपका जो होगा वो 10 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में ओके okay, उसके बाद में मॉडिफिकेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ ए कैंडिडेट वॉन्ट्स टू मेक मॉडिफिकेशन कुछ गलती हो जाती इन ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कैन मेक मॉडिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने एक फैसिलिटी दी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन बाई मेक इन पेमेंट आपको जो फीस पे करनी है फाइन जिसको हम बोलते हैं वो है थ्री हंड्रेड रुपीज विद इन थ्री डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये चीज याद रखना मॉडिफिकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शायद

है, जो आ, 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 .in पे, ओके, उसके बाद में, facility scribe, तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बताइए के लिए, ओके, आ, तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी जो एग्जाम पैटर्न उसके बाद में कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से ऑलरेडी मैंने बता दी है ओके अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो ओके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया चार ऑलरेडी मैंने लिंक आपको शेयर कर दी है तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है नहीं ऑलरेडी मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए ओके okay, तो आप अप्लाई कर सकते हो ओके सो यस बाकी सब्सक्राइब करो क्योंकि यही चैनल पर आपको ऑफिशियली जो भी अपडेट्स होंगे या फिर नए रिक्रूटमेंट्स होंगे आपको सारे ऑफिशियली ये चैनल पर मिल जाएंगे तो सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक like करो कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है एंड यस थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट